आज के इस वीडियो में मैं आपसे किशमिश के फायदों के बारे में बात करने वाली हूँ कि हमें रेजिन्स को अपनी डाइट में क्यों इंक्लूड करना चाहिए, इसे खाने का सही तरीका क्या है, और भीगी हुई किशमिश खाना ज्यादा फायदेमंद होता है या फिर नॉर्मल किशमिश हम जिसे खाते हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ये सभी पॉइंट्स आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किशमिश के चमत्कारी फायदों के बारे में। किशमिश में होता है फॉस्फरस, कैल्शियम और पोटेशियम, जो कि हमारे शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करता है। किशमिश में भरपूर मात्रा में आयरन होता है, तो अगर आप एनिमिक हैं, आपके शरीर में खून की कमी है, तो किशमिश खाने से हमारा हीमोग्लोबिन लेवल इंक्रीज होने में हेल्प मिलती है। और बच्चों को तो स्पेशली किशमिश खाना ही चाहिए। 10 से 12 किशमिश हमें वैसे भी खाना चाहिए अगर आप किड्स के एज ग्रुप में आते हैं, सो आपको 10 to 12 किशमिश लेना है। एंड अडल्ट है तो आपको 20 से 22 किशमिश का रोजाना सेवन करना है। इसके अलावा भिगोई हुई किशमिश खाने से हमारे वजन को घटने में बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो किशमिश में भरपूर मात्रा में होता है आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फाइबर और हाई अमाउंट में प्रोटीन होता है, जो कि हमारे वजन को घटाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होते हैं। कैल्शियम के जरिए हमारी हड्डियों में ताकत आती है। अगर आपको जॉइंट्स में पेन रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, मसल्स में पेन रहता है, सो किशमिश हमारे मसल पेन को दूर करने में हेल्पफुल होती है। हमारी बोन्स में जो कैल्शियम समय के साथ, उम्र के साथ निकल जाता है, उस कैल्शियम की भरपाई करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। हमारी हड्डियों को मजबूती देती है और दांतों को भी तंदुरुस्त रखने का काम करती है। दांतों में दर्द रहता है, दांत कमजोर हो गए हैं, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, तो किशमिश खाने से हमारे दांत भी हेल्दी रहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किशमिश को खाने से हमारे बॉडी में कैल्शियम तो पूरा होता ही है, बल्कि हमारी जो सिरदर्द की परेशानी है वो भी काफी हद तक दूर होती है। साथ ही अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो हमारे बालों में, हमारे स्कैल्प में आयरन की कमी को पूरा करती है किशमिश, तो हमारे बाल झड़ने की समस्या भी सॉल्व होती है। यहाँ पर मैंने रात के समय पर 10 से 20 किशमिश को पानी में भिगोकर रख दिया था और 10 से 12 घंटे बाद अर्ली मॉर्निंग आप देखेंगे जो किशमिश का ऊपर का जो छिलका है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और किशमिश हमारी थोड़ी सी स्वॉलन अप हो जाएगी, थोड़ी सी फूल जाएगी, और ये हमारी भिगी हुई किशमिश बिल्कुल रेडी है। आप कोशिश करें आप भिगी हुई किशमिश का ही सेवन करें, पर कभी आपके पास वक्त नहीं है तो आप नॉर्मल ड्राई करी हुई रेजिन्स भी खा सकते हैं। पर आप वैसे तो कोशिश इसी बात की करें कि रोज रात को सोने से पहले आप किशमिश को पानी में भिगो दें एंड अर्ली मॉर्निंग आप इसके पानी को फेंक कर किशमिश को च्यू कर खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट के फॉर्म में खा सकते हैं, खाली पेट खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट के फॉर्म में आप इसे गर्म दूध के साथ भी ले सकते हैं, और ब्रेकफास्ट में नहीं ले रहे हैं तो सुबह खाली पेट भी आप 10 से 20 किशमिश का सेवन कर सकते हैं। किशमिश के अंदर काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी से सब तरीके के टॉक्सिन्स को निकालने का काम करते हैं, हमारे लिवर को, हमारे स्टमक को क्लेंस करने का काम करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है और किशमिश के पानी को मैं सेपरेट कर रही हूँ और किशमिश को हम अलग करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेनर की हेल्प से किशमिश और इसके पानी को अलग कर लिया है। कई सारे लोग तो किशमिश के पानी को भी खाली पेट सुबह पीना पसंद करते हैं, ये आपके ऊपर है, इसमें भी काफी सारे फायदे होते हैं, बट मैं किशमिश को भिगा कर खाना पसंद करती हूँ पर्सनली। तो ये है किशमिश खाने का सही तरीका। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि किशमिश को भिगो कर खाना चाहिए क्योंकि किशमिश में एंटीऑक्सीडेंट्स और काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जिनकी मात्रा पानी में भिगोने के बाद बढ़ जाती है। किशमिश को रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाएं, ऐसा करने से आप काफी सारी बीमारियों से बचे रहेंगे और पूरा दिन आप एनर्जेटिक भी फील करने वाले हैं। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स भिगी हुई किशमिश का यूज कर सकते हैं। अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, पीरियड्स इररेगुलर है, पेनफुल पीरियड्स की प्रॉब्लम है, पीएमएस के टाइम पे आप भिगी हुई किशमिश का सेवन करके देखें, 1 वीक के विदिन ही आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। वेट लूज करना चाहते हैं, शाम के टाइम पे भूख लग रही है, कुछ खाने का मन कर रहा है आपका, तो आप किशमिश खा सकते हैं। ये काफी ज्यादा फुलफिलिंग होती है क्योंकि इसमें फैट का अमाउंट भी होता है और हाई इन प्रोटीन भी होती है। साथ ही किशमिश में होता है विटामिन सी और विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है, और आज के इस टाइम पे हम सभी के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन कर रखें। और विटामिन सी मदद करता है हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमारे शरीर की बढ़ाने में। तो यहां पर मैंने किशमिश को सोक करके रखा है, पानी को सेपरेट कर दिया है एंड सोक करी हुई रीजंस मैंने एक प्लेट में अलग कर ली है। आप रोजाना आधी
मुट्ठी एक मुट्ठी किशमिश खा सकते हैं, या फिर इस तरीके से दूध में भी किशमिश को डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप गर्म दूध लिया है और इसमें मैंने 10 से 20 भीगी हुई किशमिश को डाला है, और इसे आप ब्रेकफास्ट के फॉर्म में भी खा सकते हैं, ले सकते हैं, पी सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, काफी टेस्टी लगता है। एंड किशमिश वैसे भी थोड़ी सी मीठी सी रहती है, तो दूध में हमें एडिशनल शुगर डालने की भी नीड नहीं पड़ने वाली है। बहुत अच्छे से आप इसे च्यू कर करके खाएं ताकि इसका सारा फाइबर आपके स्टमक में जाए। ये हमारे बेली फैट को टारगेट करती है, जिस भी एरिया में हमें फैट डिपोजिशन है, हमारे टारगेटेड एरिया के फैट को बर्न करने का काम करती है, हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में भी बहुत हेल्पफुल है। काफी फुलफिलिंग है, इसे लेने के 1 से 1.5 घंटे के बाद भी आपको भूख नहीं लगने वाली है, इंस्टेंटली हमारी हंगर को सप्रेस कर देती है। इसलिए हम किशमिश को एंटी हंगर सप्रेसेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी भूख को शांत कर देती है और हमें ऐसा एहसास दिलाती है कि हमारा पेट भरा हुआ है। अब हमारा आपने देख लिया कि हम किशमिश को किस किस तरीके से ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट के फॉर्म में लें, सुबह खाली पेट ले सकते हैं, शाम को कुछ नट्स खाने का मन है आपका, ड्राई फ्रूट्स खाने का मन है, तो भीगी हुई किशमिश को आप खा सकते हैं। बस आपको शाम के बाद किशमिश को नहीं खाना है, 4 बजे खा सकते हैं, सुबह एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं। और कितनी आपको लेना है, कितनी क्वांटिटी हमारे लिए लेना अच्छा होता है, ये भी मैंने इस वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।